Hello guys, welcome to my channel Learn Psychology. I am Shardul and today I will cover the role of computer in the field of psychological research. So we will see what applications and advantages of computer in psychological research. So let's start. First application is testing software. पहले क्या होता था, जब भी हम डिज़ाइन की बात करते थे या किसी भी तरह के, जैसे सैम्पलिंग डिज़ाइन है या कई तरह की डिज़ाइनिंग है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता था, हार्डवेयर कलेक्ट करना होता था. पहली बात हमको हार्डवेयर की चीज़ें मिलती नहीं थी इतना ईजिली, या तो हमें कुछ चीज़ें बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़ती थी जो कि कॉस्टली भी होता था और थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी होता था. और अगर आपने एक बार हार्डवेयर में चीज़ बनाई और अगर आपका रिज़ल्ट करेक्ट नहीं आया, आपसे मिस्टेक हो गई, तो वो जो हार्डवेयर रहता था, जैसे कि बहुत सारे कैपेसिटर्स हो गए, कुछ रजिस्टर्स हो गए, या छोटे छोटे बहुत सारे एलिमेंट्स रहते हैं, तो कुछ कुछ तो क्या होते थे, ख़राब हो जाते थे, वन टाइम यूज़ के रहते थे. उसके लिए फिर से नया हार्डवेयर खरीदो, फिर से नए चीज़ें खरीदो. लेकिन टेस्टिंग सॉफ्टवेयर के आने से क्या हो गया है और ये क्यों पॉसिबल हुआ, कंप्यूटर की वजह से. कंप्यूटर में हम टेस्टिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे कहीं पर भी अगर कोई एरर आ रही है तो हमें कंप्यूटर वहीं पे भी बता देता है कि हाँ इस जगह पर एरर है, तो हम वो चीज़ें चेंज कर सकते हैं. और जब हमारा फाइनल डिज़ाइन तैयार हो जाती है, जिससे हमारा आउटपुट आ रहा होता है, फिर हम उसको हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो इट्स वेरी ईजी नाउ, क्योंकि पहले के कंपेरेटिवली अभी टेस्टिंग सॉफ्टवेयर के आने से, वो जो कि कंप्यूटर की वजह से पॉसिबल हुआ, ये चीज़ें बहुत अच्छी हो गई, बहुत आसान हो गई हैं. दूसरी जो चीज़ आती है वो है इंफॉर्मेशन गैदरिंग. पहले क्या होता था, बहुत सारे रिसर्च पेपर हमें देखने पड़ते थे, बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती थी, कई लाइब्रेरियों से किताबें देखनी पड़ती थी, वहाँ जाना पड़ता था, घंटों बैठना पड़ता था, तब जाकर हम उतनी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाते थे. लेकिन जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, हम लोग रह रहे हैं गूगल की दुनिया में, जहाँ पर एक बार में डालो आपका कहाँ कहाँ का डाटा आपके पास में अवेलेबल हो जाता है, जहाँ पर आप मतलब फिज़िकली पहुँच भी नहीं सकते हो, वहाँ का भी डेटा आपके पास में आ जाता है. तो आप आराम से घर में बैठ के सारा डेटा इकट्ठा कर सकते हो, उसको आराम से पढ़ सकते हो, आपको ना बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है, ना आपको कहीं जाने की ज़रूरत है. तो सेकंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई है कंप्यूटर की वजह से, क्योंकि हम जो नेट का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से चीज़ें होती हैं, तो कंप्यूटर का सेकेंड एप्लीकेशन एंड एडवांटेज जो हमको मिला है वो है इंफॉर्मेशन गैदर करने में, जो कि हमारे लिए अब बहुत आसान हो चुका है पहले के कंपैरेटिवली. और ऊपर से हम ऑल ओवर द वर्ल्ड से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था. थर्ड चीज़ आती है, थर्ड आता है शेयरिंग. जब भी हम कोई हाइपोथेसिस लेते हैं, उसको हम ट्रू प्रूफ कर देते हैं, तो हमारा जो आउटपुट है, जो रिज़ल्ट आता है, वो हमें पब्लिश करना होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका क्या करें, फ़ायदा उठा सकें. पहले के समय में क्या होता था कि या तो किसी पत्रिका में प्रकाशित होता था, या किसी लोकल न्यूज़पेपर में, या बड़े से बड़े अगर स्तर की हम बात करें तो जो ऐसा न्यूज़पेपर या ऐसी पत्रिका जो पूरे देश में प्रकाशित होती है, पूरा देश में सर्कुलेट होती है, उसमें आप प्रकाशित कर सकते थे. बट अभी कंप्यूटर की वजह से क्या पॉसिबल है कि आप पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड में आप अपने जो आपका रिज़ल्ट है, आप उसको सर्कुलेट कर सकते हो, आप उसको शेयर कर सकते हो, जो भी फीडबैक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से फीडबैक ले सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकते हो. तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है, कंप्यूटर की वजह से पॉसिबल हुआ है, इंटरनेट की वजह से पॉसिबल हुआ है. जो फोर्थ चीज़ आती है वो रिपोर्ट मेकिंग. जब हम रिसर्च में रिपोर्ट बनाते हैं, जब हम रफली भी चीज़ों को लिखते हैं, रफली रिपोर्ट बनाते हैं, तो क्या होता है, हमने एक बार लिखा, नहीं ठीक हुआ, पेज मोड़ा, फेंक दिया. ऐसे करते करते कई कई बार पहले ऐसा होता था कि बहुत सारे पता चला पेजेस इकट्ठे हो जाते थे. उसके लिए तो हमें बहुत ज़्यादा पेज की भी ज़रूरत रहती है, वो अगर काम में इंक की ज़रूरत रहती है, और अगर वो नहीं हो रहा है सही, तो हम क्या करते हैं, उसको फेंकते जाते हैं. इस तरीके से पेजेस भी वेस्ट होते हैं, इंक भी वेस्ट होती है. कंप्यूटर की वजह से क्या पॉसिबल हुआ, कंप्यूटर की वजह से क्या हुआ है, जो MS वर्ड है, MS वर्ड में आप लिख सकते हो, टाइप कर सकते हो. अगर आपको लगता है कि नहीं सही नहीं है, गलत है, आप उसको डिलीट कर सकते हो, ना आपके पेपर वेस्ट होता है, ना इंक वेस्ट होता है, आप उसको ईजिली क्या कर सकते हो, सेव भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो. तो ये थर्ड एडवांटेज भी है और एप्लीकेशन भी है. नेक्स्ट जो आता है, लोगों से मिलना. पहले क्या होता था, लोगों से अगर आपको मीटिंग फिक्स करनी है, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, तो जनरली या तो हमको लेटर भेजने होते थे, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होते थे, और बहुत कंफर्म भी नहीं होता था कि लेटर डिलीवर होगा ही, या तो खुद से जाकर मीटिंग करनी होती थी. लेकिन अब इतना ज़्यादा इजी हो गया, आप ईमेल कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, फ़ोन कर सकते हो, फैक्स कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो. किसके थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, क्योंकि कंप्यूटर और फिर इंटरनेट,
मोबाइल भी तो हमारे एक स्मॉल कंप्यूटर ही है, ठीक है। तो ये केस की वजह से पॉसिबल हुआ, कंप्यूटर की वजह से। तो ये यहाँ पर एक पोस्टर दिखाया गया है, तो आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें शॉर्ट में हैं कि कैसे शेयरिंग के लिए, जैसे ट्वीट का ये दिया हुआ है सिंबल, और कैसे इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। तो इस तरीके से आप इसको देख लीजिएगा। सो नेक्स्ट एप्लीकेशन और एडवांटेज है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन पहले के समय में क्या होता था, कैलकुलेशन ऑफ डेटा बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था, क्योंकि डेटा बहुत बड़े होते थे और उसको मैन्युअली कैलकुलेट करना, एक तो बहुत एरर आने के चांसेस ज़्यादा रहते थे और बहुत ज़्यादा वक्त लगता था। लेकिन जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस भी सेकेंड्स में, मिनट्स में कर देता, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ में। तो हमारा नेक्स्ट एडवांटेज और एप्लीकेशन है वो है कैलकुलेशन ऑफ डेटा इज इजी नाउ। नेक्स्ट जो आता है हमारा, सोचने का दायरा बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। पहले अगर हमें कोई आइडिया आता था तो हमको ये नहीं पता होता था कि कोई और इस चीज़ पे पहले काम कर चुका है या नहीं कर चुका। हमारे दिमाग में आया, हमें लगता था हाँ ठीक है। लेकिन अभी हम गूगल पे, नेट पे, सिस्टम पे चीज़ें देख सकते हैं कि किन किन टॉपिक्स पे रिसर्च हो चुकी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस टॉपिक पे पहले ही रिसर्च की जा चुकी हो। तो ठीक है, हमारे सोचने का दायरा, हमारे आइडिया का दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब अगर हम इसके एडवांटेज, स्पेशली जो एडवांटेज उसकी बात करें, तो एक पहला तो है कॉस्ट हर चीज़ का। जैसे कि हम अभी से ऊपर से नीचे देख रहे हैं, तो हार्डवेयर का हो गया, लोगों से जाकर मिलना और लेटर्स देना, इन सब का कॉस्ट मिला के, और बाकी जो बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था ड्यूरिंग रिसर्च। बट अब क्या हो गया है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम हो गया है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। एक नेक्स्ट है टाइम। टाइम जहाँ पहले बहुत ज़्यादा लगता था, अब कंप्यूटर की मदद से टाइम बहुत बहुत कम तो नहीं, लेकिन कंपैरेटिवली काफ़ी कम लगता है। जैसे कि हमारा कैलकुलेशन में जो टाइम जाता था वो बच गया, हमें लोगों से मीटिंग फिक्स करने के लिए जाना पड़ता था वो बच जाता है, हमको चीज़ें जब हमारी हाइपोथेसिस ट्रू का जब प्रकाशित हो रही तब तक के लिए पूरा वेट करना पड़ता था। पर अब तो सेकेंड्स में, मिनट्स में चीज़ें हो जाती हैं। तो ये सारी जो चीज़ें थी एप्लीकेशंस और एडवांटेजेस में आता है कंप्यूटर का, जो कि साइकोलॉजिकल रिसर्च में है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब। ओके, बाय।